दोस्तों, मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ बुरा ही व्यवहार करते हैं। मैं तो सबका भला ही करता हूँ, पर ना जाने लोग मेरे साथ बुरा करने पर क्यों तुले होते हैं। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लोग मेरा ही दिल दुखाते हैं। या मैं तो बहुत होशियार हूँ, तो लोग मुझे मूर्ख क्यों समझते हैं। लोग आखिर हमारी कदर क्यों नहीं करते हैं। ये प्रश्न कभी ना कभी तो हमारे मन में आया ही होगा। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर वेदों के एक कथन से हमें मिल जाता है। आज इस कथन को थोड़ा डिटेल में जानेंगे एक कहानी की मदद से, और प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे कि आखिर लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं और लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई है मेरे दोस्त दिकेश की मदद से, और आप वीडियो खत्म होने पर मेरे दोस्त के चैनल KitKTS पर विजिट जरूर करिएगा। उनके चैनल का लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, और उनके चैनल पर आपको मिलेंगी बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक समरीज। तो अब आते हैं कहानी पर। एक छोटा सा कस्बा था, उसमें एक गरीब सा लकड़हारा रहता था। एक दिन वो मायूस सा होकर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसने महसूस किया कि उसका जीवन कितना मुश्किलों भरा है। वो अपने जीवन से निराश हो गया था। वो ये बात सोच सोच कर दुखी था कि वो लोगों के साथ कितना ही अच्छा व्यवहार करता है और लोग केवल उसकी लात खींचने में लगे हैं। लोग केवल उसको दुख ही देते हैं। वो सबसे अच्छे से व्यवहार करता है, पर लोग हैं कि बदले में उसके प्यार की कदर ही नहीं करते। उसके मन में ऐसे ही सवाल बार बार आ रहे थे। वो सोच रहा था कि मैं ये सब करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, कि तभी एक साधु उसके पास आए, लकड़हारे की सारी बात सुनी। लकड़हारे ने साधु जी से पूछा, आखिर लोग उसके किए का मूल्य क्यों नहीं डालते। लकड़हारे ने पूछा, आखिर कौन यह निर्धारित करता है कि कोई चीज या कोई इंसान कितना कीमती है। लकड़हारे की सारी बातें सुनकर साधु जी ने लकड़हारे को एक अंगूठी दी। उस अंगूठी में बहुत ही सुंदर चमकीला हीरा लगा था। साधु जी ने कहा, तुम बाजार जाओ, इस अंगूठी का मूल्य लगवाओ, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसका मूल्य लगवाना है, लेकिन कहीं गलती से भी इसको बेच मत देना। केवल और केवल इसका मूल्य पता करो, आखिर लोग इसे कितने में खरीदना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे, इसको बेचना मत। जब तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल जाए, इस अंगूठी को मुझे वापस लाकर देना। अब लकड़हारा व्याकुल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था सारे सवालों का जवाब इस अंगूठी से कैसे मिल सकता है। साधु जी की आज्ञा का पालन करते हुए लकड़हारा बाजार गया। सबसे पहले लकड़हारा एक व्यापारी के पास गया, और लकड़हारे ने व्यापारी को साधु की सारी बात बताई और बताया कि साधु ने उसे अंगूठी की कीमत जानने के लिए भेजा है। तो व्यापारी ने कहा, ये बहुत सुंदर अंगूठी है और बहुत कीमती भी दिख रही है, मैं तुम्हें इसके 1000 सिक्के दे सकता हूँ। लकड़हारे ने उसकी बात सुनी और वो आगे चल दिया। अब लकड़हारा एक मजदूर के पास गया, और लकड़हारे ने मजदूर को भी सारी बात बताई और उससे भी अंगूठी की कीमत पूछी। मजदूर ने कहा, ये बहुत सुंदर अंगूठी है, पर मैं इसको किसी भी कीमत पर नहीं खरीदूंगा। ये केवल देखने में सुंदर है, लेकिन ये किसी भी काम की नहीं है। लकड़हारा थोड़ा आगे बढ़ा और लकड़हारे को एक और व्यापारी मिला, और उस व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें इस अंगूठी के 10,000 सिक्के दे सकता हूँ। लेकिन लकड़हारे को अभी भी अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। अब लकड़हारा एक सुनार के पास गया और उसने अंगूठी की कीमत पूछी। सुनार ने कहा, ये बहुत कीमती अंगूठी है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 सिक्के दे सकता हूँ। अब यहाँ पर लकड़हारे के सवाल खत्म होने के बजाय और बढ़ गए। अब वो शहर के सबसे बड़े सुनार के पास गया और उसने सुनार से पूछा, इस अंगूठी की असली कीमत क्या है। कुछ देर अंगूठी की ओर देखने के बाद सुनार ने कहा, ये दुनिया के सबसे कीमती पत्थरों में से एक है, ये तो बहुमूल्य है, मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तब भी मैं इस अंगूठी का मूल्य नहीं लगा सकता। लकड़हारा सीधा साधु जी के पास गया और उनको सब बता डाला। साधु जी ने बताया, बस यही तुम्हारे साथ हो रहा है, हर आदमी अंगूठी की तरह तुम्हारा मूल्य अपने अपने हिसाब से डाल रहा है। जो खुद जैसा है वो तुम्हें वैसे ही देख रहा है, जो व्यक्ति तुम्हें मूर्ख कह रहा है वो खुद भी वैसा ही है। चोर को सारी दुनिया चोर ही नजर आती है। सच तो ये है, इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता, सिर्फ तुम खुद ही अपना मूल्य निर्धारित कर सकते हो। जैसे तुम अपने बारे में सोचोगे वैसे ही तुम बन जाओगे, और जो लोग अपनी इज्जत करते हैं दुनिया उनकी इज्जत करती है। दोस्तों, यही कथन वेदों में लिखा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, और अपनी दृष्टि के हिसाब से ही सभी ने अंगूठी का मूल्य लगाया, और यही कारण है एक मूर्ख इंसान को आप भी मूर्ख ही नजर आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके मेरे दोस्त के चैनल KitKTS को विजिट करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।